हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुजाता तिर्की, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजुडिश, पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा। साधारणतः हम किसी व्यक्ति के मन में पहले से ही विचार या अवधारणा, जिसकी वजह से वह बिना तर्क वितर्क या विचार किए किसी क्षेत्र, जाति, धर्म आदि के आधार पर लोगों के प्रति अविश्वास या नापसंदगी की राय बना लेते हैं, इसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम किसी वस्तु या बात की बिना परीक्षा या जांच किए उसके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं, वह पूर्व धारणा है। पूर्वाग्रह को अंग्रेजी में प्रेजुडिश कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द प्रेजुडिशियम से हुई है। इसका अर्थ होता है समुचित परीक्षण के बिना कोई निर्णय ले लेना। इसे हिंदी में पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह कहते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा अलग अलग दी है। जेम्स डेवर के अनुसार पूर्व धारणा एक अभिव्यक्ति है जो संवेगात्मक रंग में रंगी होती है, जो विशेष कार्य या वस्तु के प्रति विशेष व्यक्ति या विशेष सिद्धांतों के प्रति प्रतिकूल या अनुकूल होती है। आगमन के अनुसार पूर्व धारणा ऐसे अति शीघ्र निर्णय या एकमत से बनी है जो कि परीक्षण के बिना जल्दबाजी में किए गए निर्णय या मत को पूर्वाग्रह कहते हैं। अतः इन परिभाषाओं को देखने से पता चलता है कि पूर्व धारणा तथ्यों का समुचित परीक्षण के बिना लिया गया पूर्व निर्धारित निर्णय है, जिसमें व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की अनुकूल या प्रतिकूल संवेगात्मक और भावात्मक अभिवृत्ति जुड़ी रहती है। समाज की विभिन्न अवस्थाएं पूर्व धारणाओं के कारण व्यवस्थित रहती है। अतः पूर्व धारणा के कारण ही व्यक्ति अपनी असफलता का कारण दूसरे व्यक्ति आरोपित करता है। पूर्वाग्रह का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजुडिस। पहला, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय एवं धार्मिक कारण, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रीजनल एंड रिलीजियस कॉजेस। हम इसमें सबका अलग अलग हम लोग देखेंगे। इसमें पहला आता है सामाजिक कारण, सोशल कॉजेस। पूर्व धारणाओं के निर्माण में समाजीकरण का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक बच्चा पूर्वाग्रह को अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों, मित्र, स्कूल तथा शिक्षकों से सीखता है। वे अपने माता पिता और शिक्षक को अपने जीवन में आदर्श के रूप में मानता है। इसलिए जो बातें वे किसी वस्तु या विषय के बारे में उनको बताते हैं, वे इसे बेझिझक मान लेते हैं। यह पूर्वाग्रह के संबंध में भी लागू होता है। दूसरा, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेस। पूर्वाग्रह के विकास में आर्थिक कारकों का भी बहुत अधिक योगदान है। निर्धनता, आर्थिक असुरक्षा, आर्थिक भेदभाव के कारण
पूर्वाग्रहों का निर्माण होता है। तीसरा, सांस्कृतिक कारण, कल्चरल काउचेस। पूर्वाग्रह का विकास जैसे सांस्कृतिक विभिन्नता, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास का भी प्रभाव होता है। चौथा, क्षेत्रीय कारण, रिलीजन कॉजेस। जैसा कि यह देखा जाता है कि क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण भी व्यक्तियों में पूर्व धारणा का विकास होता है। एक क्षेत्र में रहने वाले लोग दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति पूर्व धारणा रखते हैं, जैसे खान पान, रीति रिवाज, पोशाक आदि। कहने का अर्थ है कि हर क्षेत्र का के लोग, यानी कि वहाँ के रहने सहने का, खान पान का, जितना भी है, सब अलग अलग तरीके का होता है। पांचवा, धार्मिक कारण, रिलीजियस कॉजेस। पूर्व धारणा के विकास में धार्मिक कारक का भी प्रभाव अत्यधिक पड़ता है, जैसे धर्म भेद, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, शिया सुन्नी, उसी तरह हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, जैन बौद्ध, धर्मों के बीच अक्सर संघर्ष चलता रहता है, जिसके कारण उनकी धार्मिक विभिन्नता पर आधारित पूर्व धारणाएँ हैं। बी, मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कॉजेस। पूर्व धारणाओं के विकास में कई मनोवैज्ञानिक तत्व काम करते हैं। पहला, व्यक्तिगत, पर्सनल, जैसे निराशा, कुंठा, असफलता, असंतोष, असुरक्षा एवं हीनता के भाव तथा चिंता आदि के कारण भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्व धारणाएं रखते हैं। दूसरा, असामान्य व्यक्तित्व, अब नॉर्मल पर्सनालिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असामान्य व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से आश्वस्त होते हैं, उनमें पूर्व धारणा के विकास होने की संभावना अधिक होती है। तीसरा, निरंकुश व्यक्तित्व। अडुरेनो के अनुसार जिस व्यक्ति में निरंकुशता के लोगों से अधिक होती है, उसमें पूर्व धारणा का विकास होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा पूर्व धारणा के निर्माण में कई और कारण हो सकते हैं, जैसे निरक्षरता एवं अशिक्षा। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, उनमें गलत या सही के बीच निर्णय की क्षमता की कमी होती है, जिसके कारण वे दूसरे लोगों की बातों में आकर किसी अन्य व्यक्ति, समूह एवं वस्तु के प्रति पूर्व धारणाओं का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद आता है जैसे कि जनसंपर्क के साधनों का दुरुपयोग। यहाँ क्या होता है कि जब व्यक्ति पुस्तक, रेडियो, टेलीविज़न आदि पर अत्यधिक भूमिका होती है,
पूर्वाग्रह के निर्माण में। जब व्यक्ति इसके संपर्क में आता है और कुछ ऐसे बातें देखता या सुनता है जो उनके विरोध में है, तो उनमें उनके प्रति पूर्व धारणा विकसित हो जाती है, अर्थात साधनों का गलत उपयोग किया जाता है। अंत में कह सकते हैं कि रूढ़ी युक्तियों के कारण भी पूर्व धारणाओं का प्रसार होता है।